को दामले की कहानी बताने का एक विशेष कारण है। ये कहानी सुनने के बाद, रादर देखने के बाद, अगर आपको दामले मिले तो उन्हें मेरा एक संदेशा जरूर देना। ये आदमी कोल्हापुर गया है, बोला था पहुंचने के बाद तार भेजूंगा, कम से कम खत तो लिखूंगा ही, कंपनी के खर्चे से फोन करूंगा। लेकिन दामले ने ना तार भेजी, ना खत आया, ना फोन आया। तो दामले का कोल्हापुर में कैसे चल रहा है ये मुझे आज तक नहीं पता। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं, पुरानी यादें इसलिए याद कर रहा हूं कि अगर आपको दामले मिले तो उनसे कहना कि काले आज भी आपके खत की राह देख रहे हैं। हम दोनों एक ही बैंक में काम करते थे, दामले हमारे यहां कैशियर थे। अब कैशियर बोलने के बाद हमारी आंखों के सामने नोटों का बड़ा सा बंडल आसानी से गिनने वाला आदमी आ जाता है, लेकिन दामले को नोट गिनना नहीं आता। नोटों का बंडल देखने के बाद इस आदमी के पसीने छूट जाते हैं। करंबेलकर? हाँ। पैसे निकालने हैं? अरे तो क्या भरने हैं क्या? स्लिप देखो ना कौन सा है। कैसे लेके जाओगे? आपको क्या करना है, जेब में लेके जाऊंगा। 25,000 आप जेब में लेकर जाओगे? बैंक में रखने से अच्छा है ना जेब में लेके जाऊं। दो जल्दी, टाइम नहीं है मुझे। थोड़ी देर रुकिए ना, मुझे गिनने में थोड़ा वक्त लगता है। ये देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बंडल दिख रहा है, किधर है वो बंडल? दो वो इधर। अरे नहीं नहीं, वो बंडल नहीं है, वो सब असली नोट है। असली? वो असली नोट का ही बंडल मुझे दे दो। हाँ देता हूँ ना, पर वो बंडल नहीं है, वो असली है, असली, बिल्कुल असली। अरे वही बंडल मुझे दे दो। अरे मैंने कह दिया ना मुझे वक्त लगता है, आप थोड़ी देर उधर बैठ जाएंगे क्या, प्लीज? ये देखो ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी दो। चलेगा, प्लीज, थैंक यू। ना जाने कहां से अकाउंट निकाले इस बैंक में। एक एक नोट गिनते बैठता है ये आदमी। कस्टमरों की इतनी बड़ी कतार लग जाती है तो हम में से ही कोई उसकी मदद कर देता है। फिलहाल मैं फ्री हूं, मैं जाता हूं। एक मिनट। दामले, अरे तेरा प्रमोशन ड्यू है ना, प्रमोशन ले लो ताकि ये नोट गिनने से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। नहीं, प्रमोशन लिया तो मेरी बदली कर देंगे वो। करने दो ना, मुंबई में क्या रखा है? मुझे एक बताओ, तुम जहां रहते हो वहां पानी आता है? तुम मुझे जानते हो ना वप्पू, कितने दिनों से मैं नीचे से पानी भर रहा हूं। ये मैं जानता हूं, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। अरे लेकिन मकान मालिक ने सेपरेट कनेक्शन दिया था ना तुझे? हाँ दिया था ना। सेपरेट कनेक्शन दिया था तो? पहले 3 दिन जोर से पानी भी आया। हाँ। फिर वो बाजू वाले गणपुले ने प्लम्बर को बुला के न जाने क्या किया, फिर गणपुले के नल को जोर से पानी आने लगा और मेरे नल को एक बूंद भी नहीं थी। अरे इसीलिए कह रहा हूं, अभी तुम जवान हो, तुम्हारी बीवी भी जवान है, तुम नीचे से पानी ला सकते हो, लेकिन कुछ सालों के बाद यह सब करना मुमकिन होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पर नहीं वपू, मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है और इसलिए मुझे बदली नहीं चाहिए, और बदली नहीं चाहिए इसलिए प्रमोशन भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, जब यही दामले बदली होने के लिए कोशिश करने लगा, हेड ऑफिस के चक्कर काटने लगा, तो मुझे अजीब लगा। एक बार पकड़ लिया उसको और पूछा, दामले साले मैं बता रहा था तो ना बोला, तो अब हेड ऑफिस के चक्कर क्यों? हाँ, उसके बाद जो कहानी उसने मुझे सुनाई वो और किसी को बताओ या नहीं, ये जैसा उसके समझ में नहीं आया वैसे मुझे भी नहीं आया, क्योंकि मैंने उसका विश्वास किया,
मैं दामले को जानता हूं इसलिए। दामले वैसा अच्छा आदमी, अच्छा मतलब डरपोक, मजबूरी की वजह से अच्छा, मजबूरी की वजह से अच्छा मतलब हिम्मत नहीं इसलिए अच्छा। ऐसे आदमी ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात है, झूठ वही बोल सकते हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, क्योंकि कौन सा झूठ किसको और कब बोला था ये जिंदगी भर याद रखना पड़ता है। तो ये आदमी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये मुझे पता था। इसीलिए आजकल दामले के लाइफ में एक संकट आ गया था, और अगर इसे कोई झूठा कहता तो उसे बहुत बुरा लगता, तो ये बात वो किसी से बोल नहीं सकता था। प्रस्तावना थोड़ी ज्यादा हो गई ना? ठीक है, संक्षेप में बताता हूं, 6 महीने पहले की बात है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, कल मिलते हैं। अच्छा नाटकर्णी, हाँ मिलते हैं। 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500। ओ साहब, चलो ना जल्दी जल्दी, बैंक कब का बंद हो गया है। मुझे डिस्टर्ब मत करो तुम, मेरा हिसाब गलत हो रहा है बार बार। कितना कम है साहब? 125 दोगे? डाल दो ना अपने जेब से, वक्त तो बचेगा। समय का सवाल नहीं है, हिसाब तो ठीक से लगाना पड़ेगा ना। अरे साहब, हम तो रोज नंबर लगाते, आज आपने भी नंबर लगाया ऐसा समझो। ऐसा है क्या? फिर तुम ही समझो ना कि आज तुमने लॉटरी में डबल पैसे लगाए हैं। तो ठीक है, ये लो मेरे तरफ से 50 रुपए, तू भी क्या याद रखेगा। हाँ, और बाकी के मुझसे ले लो। चलो दामले, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हिसाब लगने पर दे देता हूँ वापस। हम सबको पता है कि ये आदमी चालाकी नहीं करेगा, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। उस दिन, मतलब उस रात 11:30 के आसपास दामले अपने घर के पास पहुंचा। नोट गिन गिन के उंगलियां खत्म हो गई है और पैर भी दर्द कर रहे हैं। लिफ्टमैन, आ भाई नीचे आ जा। ये लिफ्ट किसके लिए बनाई है क्या पता, चाल वालों के लिए या लिफ्टमैन के लिए? मेरा नाम दादा दामले है, जो कोई मुझसे बात करना चाहता है मेरे नाम से पुकारे। ये मेरा नाम नहीं है, वहां बैंक में सब हट हट कहते हैं, और यहां आप मत कीजिए। दामले रुक जाइए। राम 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 ऐसे मत कहो, उनकी जगह कंफर्म नहीं है। आप कब बात कर रहे हैं? मैं एक बोटे, एक बोटे जनार्दन, एक बोटे। नहीं नहीं, एक बोटे ऐसा कोई हमारे चाल में रहता ही नहीं है। नहीं होगा अभी नहीं, लेकिन कभी तो रहता होगा। दामले, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। अगर आप मेरे पीछे हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे आप? भूत किसी को दिखते हैं? हाँ? बताइए, भूत किसी को दिखते हैं? लेकिन आपको दिख गया, रेलिंग छोड़ी। मैं कब से यहीं पे हूँ, कुछ किया मैंने? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं आप ही को मिलने आया हूँ। आपका मेरे पास क्या क्या काम है? बताता हूँ दामले। हाँ? अभी आप जिस मकान में रह रहे हैं, हाँ? उस मकान में 15 साल पहले मैं रहता था। रहते होंगे पर क्या मतलब? रहता था, मकान मालिक ने आपको बताया नहीं होगा या बताया होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ।
15 साल पहले की बात है। अभी भी वो घटना मेरी आंखों के सामने है दामले। क्या? मैं और मेरी फैमिली यहाँ रहती थी, अचानक मेरी ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर हो गई तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। जाना पड़ा तो मतलब मैं निकल गया, घर का सब सामान उठाया, ट्रक में डाल दिया, बीवी और बच्चे को उठाया, ट्रेन में डाल दिया। सामान के साथ में कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं ट्रक में बैठ गया। ट्रक शुरू हो गया, ट्रक चलने लगा, ट्रक जाने लगा दामले, ट्रक जाने लगा और आखिर में ट्रक गया सांगली। मुझे लगता है सांगली, सांगली में ट्रक उलट गया और मैं पलट गया और उसमें मैं मर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, लेकिन मैंने भुगता है। उसमें मैं मर गया। उसके बाद जो जो हुआ मेरी अभी भी आंखों के सामने है दामले। मेरी बीबी ऐसे ऐसे मेरे मरने के गम में घर में बैठी थी। मैं ऐसे छत पे चढ़कर ये सब देख रहा था। दामले दामले मुझे मुझे दामले मुझे एक बात का बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बीबी मुझे कितना प्यार करती थी ये मरने के बाद पता चला। अरे घर का छोड़ो, सोचो बदली हुए गांव में घर के सब लोग पहुंचते हैं और घर का कमाने वाला बीच सड़क में अधमरा पड़ा हुआ है वहां पे, वो बीच में ही मर जाता है। घर का कमाने वाला किसी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बीबी रो रही है, मैं छत से देख रहा हूँ और फिर मैंने सोचा मेरा बेटा कहाँ है। तो मेरा बेटा, आपको बताता हूँ दामले, तो मेरा बेटा अस्पताल के दरवाजे पे खड़ा है और मेरी डेड बॉडी का इंतजार कर रहा है। मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। कब आएगी मेरी डेड बॉडी बाहर? ये कैसे हो सकता है? आपके लड़के के पास खड़े थे और उसे दिख भी नहीं रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? दामले, मैं कब से तुम्हारी राह देखते यहाँ खड़ा था। हाँ? तुमने मुझे देखा क्या? नहीं, नहीं। दिखा मैं आपको? नहीं 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 नहीं, नहीं, इनको मत छूना। कुछ किया मैंने तुमको? नहीं, नहीं। कुछ नहीं किया ना। मेरा तुम्हारे पास एक इम्पोर्टेंट काम है दामले, मरने के बाद मेरी फिर से ट्रांसफर होगी। बदली आपकी? हाँ, मरने के बाद भी भूत काम करते हैं। आपको अनुभव नहीं होगा, मरने के बाद आएगा आपको भी। तो ट्रांसफर हो गई, फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद सोचा मैं रहूंगा कहाँ, गुलाबा से लेके कल्याण तक, चर्चगेट से बोरुल के आगे विरार तक, सब जगह देखा, कहीं भी जगह नहीं मिली। मतलब दोनों लाइन पे नजर रख के हार्बर पर घूमा, नहीं मिला घर। वापस जा रहा था, हार्बर से वापस जाने लगा। पर मुझे एक बताइए, पूछो, तो कोई जगह लगती है? हाँ, आदमियों से कम लेकिन भैया से ज्यादा लगती है। फिर मैंने सोचा, अरे 15 साल पहले मैं यही तो रहता था, मेरा खुद का घर है ये दामले, ये तो मेरे खुद का घर है। तो मैंने झट से अपने झट से यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ये मेरा घर। वाह दामले, क्या करे, मैं बहुत ही खुश हो गया वो दो खोली देखकर। उस जमाने का ऐसा दिखने वाला घर क्या सुंदर था, कितना सुंदर रखा है। मैंने नजदीक से देखा, आपका बेटा रमेश पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही प्यारा बेटा है आपका। उतने में मेरा ध्यान किचन में गया। मैंने किचन में जाके देखा, तुम्हारी बीवी खाना पका रही थी, खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। बीवी भी ठीक ही है, बीवी बहुत बढ़िया है आपकी। फिर सोचा मैं यहाँ रुकता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ। लेकिन आप बैंक में गए थे दामले, इसलिए आपके आने तक मैं यहाँ 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 बैठा रहा दामले। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके मेरे पास क्या काम है? दामले, मैं मेरे घर में रहना चाहता हूँ। रहने को आओ। रेलिंग को मत छूना। नहीं छूरा। रहने को आओ या नहीं बताओ, मैं अटकवा भूत हूँ। ना मत कहना, ना कहना है तो तुरंत मत कहो, हाँ बोलना है तो जल्दी हाँ बोलो। वैसे मुझे अपनी फैमिली को साथ लाना है। फैमिली? हाँ। यानी कौन 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 है घर में? एक बीबी है मेरी। हाँ? और 42 बच्चे हैं। हाँ? 42? 27 मर गए। मुझे पुनर्जन्म हो गया उनका, विश्वास नहीं होता, मरने के बाद हो जाएगा। अब मुझे बताओ,
हम दोनों और हमारे 42 बच्चे, हम सब बेघर हो जाएंगे ना, कहाँ रहेंगे आप ही बताइए। तो आपके ये दो रूम में हम रहेंगे ना, रह लेंगे इसमें हम। आप हमारे इस छोटे से घर में कैसे रहोगे? दामले हमें छोड़िए, आपके इस छोटे से घर में मेरे जैसे 2-4 हजार भूत आराम से रह सकते हैं, नाच सकते हैं। आप सोचिए जरा, मैं, मेरी बीवी, 42 बच्चे और हमारे जैसे कितने हजारों लोग रह सकते हैं, आप सोचिए। गणित कीजिए, बैंक पे हो ना आप, गणित कीजिए, झट से गणित कीजिए। राउंड फिगर 3,000 पकड़िए, सोचिए जरा, आप चिंता मत कीजिए। दामले सब भूत में यहाँ लाऊंगा ना, तो मैं उनका आपसे परिचय करूंगा, बड़े प्यार से रहेंगे वो सब, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उनसे, आप जो कहेंगे सब काम करेंगे हम। लेकिन हमें यहाँ से निकालो मत दामले, प्लीज, मैं एक लटका हुआ भूत हूँ दामले। पर एक बताइए, आप मुझे क्या और कैसी मदद करेंगे? आंखें बंद कीजिए। नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये मैं चला। वैसे भरोसा है, पर आप सिर्फ बताइए ना मुझे। दामले, हाँ? आप बैंक से गलत हिसाब करके जब थके हारे घर आते हो, हाँ? तो आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, हाँ? लिफ्ट भी बंद रहता है, हाँ? लिफ्ट मन सोया रहता है कि नहीं, हाँ? तब आप क्या करते हो, हाँ? सीढ़ियां चढ़ते हो, इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ? दामले, आप सिर्फ बिल्डिंग के नीचे आइए, हाँ? और मुझे आवाज दीजिए, एक बोटे, मैं झट से वहां आऊंगा, आपको ऐसे हल्के उठाऊंगा और उठा के हवा में ऐसे ऊपर हमारे पास लेके आऊंगा, मतलब रूम में मैं रहूंगा ना, आपके घर ले जाऊंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं अगर बिना सीढ़ियों के ऐसे हवा में उड़ता हुआ आ जाऊंगा तो चौल के लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। आने दो, मैं उन्हें भी अपनी कंपनी में ले लूंगा, हमारे सब हार्ट अटैक की कंपनी है। नहीं मत कहना, तो एक काम करेंगे क्या, आपको लोगों से डर लगता है ना, तो हम दोनों अकेले होंगे तभी मैं ये करूंगा, चलेगा? तो मैं किसी को दिखूंगा ही नहीं। थोड़ी देर पहले देख पाए थे आप मुझे, दिखा था रेलिंग रेलिंग में देख भी नहीं रहा वहाँ पे, देख, पर हम जब दोनों ही होंगे दामले, जब आप कहेंगे तभी, आपकी परमिशन हो तभी। नहीं, पर मुझे आपसे पूछना था। पूछिए। अगर आप किसी को दिखाई नहीं देते तो आप बिना पूछे ही घर में रहे क्यों नहीं आप? दामले, हाँ? अच्छा सवाल है, हाँ? जिंदा आदमी पर जो संस्कार होते हैं ना, हाँ? वो मरने के बाद भी नहीं जाते हैं, हाँ? मेरा यही नेचर था, मेरा वो व्रत था, किसी भी आदमी को, मतलब मैं जिंदा था तभी, हाँ? किसी भी आदमी को उसे पूछे बगैर मदद भी नहीं करना और तकलीफ भी नहीं देना। नहीं तो आजकल सैकड़ों घरों में ऐसे बहुत सारे भूत रहते हैं, नाचते हैं, किसी को मालूम है? रहने आओ, रहने आओ, हाँ? आओ या ना आओ, आइए। क्या कहा? आइए। आप क्या कहा? आइए ना, आइए ना। या कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक ये आए कैसे नहीं? 12:30 बज गए, 3 बार खाना गरम किया, अभी तक इनका कुछ अता पता नहीं, कहां पर आ गए? अजी, कितनी देर लगा दी। कहाँ गए थे आप? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। दीजिए, ये क्या? शरीर ठंडा पड़ गया। अजी, क्या हुआ? कम से कम पानी तो पिलाओ मुझे। पानी के लिए कभी ना कहा है क्या? पर ये कोई पूछने वाली बात है? अगर बाहर किसी ने सुन लिया ना, तो उनको लगेगा कि आखिरी बार पानी मांग रहे हो। आखिरी बार नहीं मांग रहा मैं, और बहुत बहुत बार पीऊंगा और पानी। हाँ, लाती हूँ। एक बार बोल रही है, आखिरी बार।
मैं लाख बार पीऊंगा, यानी 10,000, नहीं यानी 10,000 के दो, या नहीं नहीं ऐसा भी नहीं लग रहा। पानी लीजिए। कितनी बार बताया है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए? डॉक्टर को तो किस लिए? 6 सीढ़ियां चढ़कर ये अवस्था है आपकी, आगे क्या होगा क्या पता। धीरे धीरे, मुझे मत सिखाओ, जाओ अंदर, जाओ जाओ अंदर। क्या आदमी है ना ये। दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। अजी खाना फिर से ठंडा हो गया, खाई है ना? नहीं, मुझे मुझे भूख नहीं है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। हमेशा ऐसा करते हो, एक तो देर से आते हो। मैं तो हाँ कह बैठा उस एक बोटे को, अब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे वो सब एक बोटे भूत, और एक बार घर में आ गए तो वापस नहीं जाएंगे। तभी वो एक बोटे कह रहा था कि ना कहना हो तो अभी कहो, पर मैं, मेरी भी अकल कहाँ घास खाने गई थी क्या पता। और मैं जानता भी था कि एक बार भूत आ गया ना तो वापस जाएगा नहीं घर से। भूत ने कोई कुआ, कोई पेड़, कोई घर पकड़ लिया ना तो वो जाती नहीं है वहां से, मुझे पता है, जैसे वो बैंक ऑफिसर है ना वैसे ही। अब ये आवाज कैसी आ रही है? दामले, मैं एक बोटे, रहने आ जाओ, रहने आ जाओ। दामले, जी चमत्कार हो गया। आया क्या वो? कौन? नहीं वो कहीं नहीं, उसका जाने दो। तुम कौन सा चमत्कार कह रही थी? अजी चलिए ना अंदर, दिखाती हूँ आपको, चलिए ना। हुआ क्या, हुआ क्या? अजी 4 साल में हुआ नहीं ऐसा चमत्कार हुआ है, चलिए चलिए। पानी आ गया, पानी आ गया, ये पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। ए सुनिए सुनिए, ओ सुनिए, पानी आ गया हमारे घर में, पानी आ गया। ए सुनो सुनो, ए पानी आ गया हमारे घर में। ए गणपुले, अरे 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था, पर अब आ रहा है। अब कौन से भी परमल को बुलाओ, कुछ भी करो, मेरे घर में पानी आ गया। ए पानी आ गया। अजी सुनिए, मैं घर के सब हंडे, पतीले, बर्तन और सब सब कुछ भर के रखूंगी। अभी चीज नहीं छूटनी चाहिए। हाँ तो सच बात है। एक बोटे, तुम आ गए? नमस्कार। हाँ, पर ये क्या चमत्कार है? हाँ ये चमत्कार नहीं, ये नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार, क्यों पानी भरा के नहीं?
हाँ भर लिया, पर एक बताइए, इतने दिन से हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था, पर अचानक से कैसे आ गया? हाँ मैं गणपुले के नल में घुस गया था। गणपुले के नल में घुस गए थे? नहीं वो पर कैसे? कैसे मतलब? मैं भूत हूँ और भूत कहाँ भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। आपके जेब में बैठ के दिखाऊ? नहीं, आप नल में ही बैठे रहिए ताकि उसको पानी नहीं मिलेगा। अब पानी चला गया दामले, इसलिए तो बाहर आया ना मैं। आपको हाल देखना है गणपुले का? देखना है? कैसा हाल? आइए आइए, यहाँ आइए 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 आइए, वो देखिए। 55 रुपए निकालूं? किस बात के, किस बात के 55 रुपए? नल को हाथ लगाने के 55 रुपए लेता है तू? घर में नल है क्या तेरे? तो हाथ लगा क्या करता है, 55 रुपए लेता है? हफ्ता वसूली। पाइप पर सोता है तू? सो पाता है क्या? अच्छा ये ले अरे ले रहे एडवांस है। अरे बाबा तू कह रहा है नल का काम हो गया पर पानी आया क्या घर में? तो पानी आने के बाद लेना बाकी का। क्या रो रहा है? हाँ ठीक है, चल ला इधर दे। हाँ दे इधर, ले नहीं रहा हो रे। हाँ ये ले, चल जा निकल, कल पानी आएगा ना घर में। हाँ ठीक है जा, तू मैं बुलाऊंगा रे तुझे, जा जा। क्यों कैसा लगा मजाक? मजा आया कि नहीं? पर एक बूटे, आप कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए? क्या नहीं यानी गणपुले के नल में जाके बैठे हो, बड़ा दर्द होता होगा ना? मुझे कुछ नहीं होता, मुझे इन सब की आदत है। हम कहीं भी जा सकते हैं, ये देखो यहाँ बैठ सकता हूँ, मुझे आदत है। हम कहीं पे भी कैसे भी बैठ सकते हैं। ये देखिए मैंने मेरे 2-4 बच्चों को नल में ही जगह दे दी परमानेंटली। हाँ यानी भूख लगे तो बाहर आते हैं, प्यास लगे तो नल में जाते हैं। यानी अब गणपुले को पानी नहीं मिलेगा कभी भी? हा? आपने नीचे से कितने दिन पानी भरा? कितने दिन यानी देखिए, अब 1-2 यानी 1 साल के 365 दिन, यानी अगला साल लीप ईयर था तो 364 हो गई, यानी 2 साल के यानी 165, मतलब 4 गुना। 4 साल पकड़ते हैं ना हम, टेंटेटिवली 4 साल पकड़ते हैं ना, तो गणपुले भी भरेगा ना 4 साल नीचे से पानी। पूछिए क्यों? मेरे बच्चे 4 साल में बड़े हो जाएंगे ना, तो उनको वो नल चलेगा नहीं, काफी नहीं होगा उनके लिए, और उनके लिए अलग सा नल, और फिर हो सकता है कि मुझे और भी बच्चे हो जाए तो उनको वापस नल में बिठाएंगे। मैं एक बात पूछू? हाँ पूछिए पूछिए। यानी ऐसे ही यानी आपके इधर कोई ऐसा कानून नहीं होता है यानी एक भूत को दो यानी एक ही या दो ही यानी बस करेंगे ऐसा कुछ? है ना लेकिन इंसानों जैसा कायदा नहीं है। आपके यहाँ कैसे? हम दो, हमारे दो, हमारे यहाँ एक या दो एट अ टाइम बस, ऐसा है सब। गणपुले आया है। अब क्या, उठो मर्द बनो, उठो मैं हूं ना, उठो चलो। दामले हिम्मत है तो बाहर आ, छाती है क्या? आगे हाँ आगे आ गया। अरे बाहर आया वो देखो। अरे गाली किसको देता है? तुम्हारे घर में इतना पानी, मेरे घर में पानी कैसे नहीं है? तुम्हारे घर में पानी नहीं आता तो मैं क्या करूं, मैं कोई प्लम्बर हूं क्या? वो मुझे पता नहीं मेरे घर में पानी क्यों नहीं है। तुम्हारे घर में पानी नहीं आता तो मैं क्या करूं, इतने दिन से मैं नीचे से पानी भरा, अब तुम नीचे से पानी भरो जाओ। दिन नीचे से पानी भरा तू जाता था ऑफिस में, मेरे जाने के बाद मैंने भाभी को बाल्टी बाल्टी भर के पानी दिया है। अब गालियां दो। अरे तो पानी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं है? गणपुले तुम्हारे माँ के बीप 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 उपकार कर रहे थे क्या? पानी दे रहे थे तो है? पानी दे रहे थे। बोलो 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 अब बोलो बे बे बोलो बोलो गाली बे बोलो बे बोलो 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 क्या बोल रहे थे? हाँ बोलो बोलो। मूली गाजर ककड़ी टमाटर गाली 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 देता है मेरे को। मुझसे बात करो मुझसे बात करो। आपके बोलू। हाँ गणपुले तेरे माँ की जो भी होगा ये तेरे माँ की जाओ जाओ बीप बीप। हाँ 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 हाँ
आप नींद में हो क्या? क्या हुआ है? हमने तय किया है ना कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो क्यों बातें कर रहे हैं उनके साथ? मैं बातें कर रहा हूँ? इतने दिन से वहां से बाल्टियां भर भर के ला रही थी, हैं? वो क्या था बाल्टियां? हैं? झूठ बोल रहा है वो, कुछ भी कहता है। झूठ बोल रहा है, वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है और आप गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा तो गुस्सा, और आप झगड़ भी रहे हो। आप आज अचानक झगड़ क्यों रहे हो? जब जान पे बनती है तो आदमी बदलता है। पता है बदल जाता है, पर बताओगे ऐसी कौन सी परिस्थिति है? वो तुम नहीं समझ पाओगी। हाँ। क्या करना है मुझे जानकर? मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं, उतना दुख बस है। खरीदो पीछे की बातें हैं, खरीदो ऐसा 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 मैंने क्या किया था मैंने? याद कीजिए क्या बोलो। शादी के बाद पहली बार ही गए थे चौपाटी पर। हाँ, गए थे फिर भेल खाने। हाँ, खाए। वहाँ पर एक गुंडे ने मुझे धक्का दे दिया था, उसे मारना तो बहुत दूर रहा, हम वहाँ रुके तक नहीं, सीधा टैक्सी ली और निकल आए घर। याद आया? हाँ, याद आ गया। हाँ। क्यों पुरानी बातें करेंगे, है ना? सही है। नहीं, पर तुम भी चाहती थी ना कि तुम्हारा पति ऐसा हिम्मत वाला हो, हैं? हाँ। चाहती थी ना। हाँ। अब हो गए हो ना मैं। हाँ, बस अब बस। हो गए हो, पर अब इस उम्र में क्या करना है? हाँ। ए गणपुले, अब तक तुम पानी दे रहे थे ना, अब मैं भाभी को पानी भर के दूंगा, बाल्टी भर के। हैं? अब ये दामले पहले का दामले नहीं है, अब ये एंग्री मैन हो गया है। ए गणपुले, चल हटा सावन की घटा। 1, 2, 20 यानी 30 के 2 हो गए, यानी नहीं 50 के 6 नोट, नहीं 10 थे क्या? नहीं, दामले। हाँ, दामले नमस्कार। एक बूटे, आप यहाँ बैंक में आ गए? और नहीं तो क्या, तुम्हारा अभिनंदन करने आया हूँ मैं बैंक में। अभिनंदन? वो किस लिए? अरे किस लिए, क्या क्या जोर दिखाया तुमने सुबह गणपुले को? मुझ में कहाँ से आएगा जोर एक बूटे, आप मेरे साथ है इसलिए मैं भी थोड़ा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप डरना मत, वो गणपुले को ऐसा ना। नहीं पर मैं क्या कह रहा हूँ एक बूटे, आप मेरे पीछे थे इसलिए मुझे भी जोर आ गया एकदम। अरे मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ, क्यों चिंता करते हो दामले? अरे 15 साल पहले मैं जब वहाँ रहता था तो गणपुले ऐसे ही हर रोज तकलीफ देता था, तो मुझे ना उस वक्त बहुत गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि चाल में से कोई एक शूरवीर मेरे साथ ऐसे मेरे पीछे ऐसे खड़ा रहे, लेकिन नहीं, चाल का एक भी आदमी मेरे पीछे खड़ा नहीं रहा। अब जब मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो क्यों चिंता करते हो? ये जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ना, उसे आप बिल्कुल ही कोई एहसान मत समझना दामले, ये मैं अपना पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूँ। हाँ, अगर उसने और कुछ दादागिरी वगैरह की होती ना तो मैं ऐसे उसका उसकी। हाँ बोलिए क्या बोल रहे? नहीं, उसने जरा सा भी आपको टच ऐसे आपको टच करना चाहिए था तो आप देखते मैं क्या करता था। बॉस, अपना पार्टी रेडी था उस वक्त। अपनी पार्टी यानी? अपनी पार्टी, मेरे बच्चे, हर एक डब्बे के पीछे 3-3 बच्चे बिठा के रखे थे, मतलब ऐसे बिठा के रखे थे, थोड़ी सी भी आवाज उसकी बढ़ जाती तो धप, तो ऐसे डब्बे गिरा देते थे। इतना ही नहीं, अंदर 6-7 बच्चे खेल रहे थे, उनको अगर खबर लग जाती ना तो वो अंदर से खटिया उठा के ले आते, और वो भी उसके बीबी के साथ। ये तो कुछ भी नहीं, अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज बढ़ाई होती ना तो मेरी बीबी की आवाज में उसकी आवाज दब जाती। मिसेस एकबोटे, तो मिसेस एकबोटे उसके कपड़े की अलमारी कपड़ों के साथ उठा के ऊपर से नीचे फेंक देती। अरे भारी है, यानी कंपनी भारी है एकबोटे, यानी आप मेरी मदद कर रहे हैं ये अच्छा है ये, पर क्या है कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो सबको लगेगा कि मैं जादू टोना कर रहा हूँ। नहीं वैसे आप ये मेरे लिए कर रहे हैं मैं मानता हूँ, पर मदद करते वक्त सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी देखिए जरा। वो तो रखना पड़ेगा, वो होता क्या है मुझे। चलो तो कितने बजे अभी?
अरे बाप रे, इतने बज गए। दामले दामले, चलिए चलिए सब लोग घर चले गए, चलिए उठिए उठिए, घर जाना है ना, मुझे घर जाना है ना अपने। हाँ, पर मुझे ये हिसाब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लगाइए हिसाब जल्दी से। ये देखिए, ये 1000 के नोट है, ये 500 के हैं, ये सब टैली करना पड़ेगा। और मुझे कल भी नो प्रॉब्लम मैं हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो। ये बैंक वर्क है ना, तुम आपको कैसे हो जो है ना, ये 1000 के नोट है। पर ये आओ, क्या करे, लिखिए 1000 के 20 नोट। अरे कुछ नहीं मैं उनको लगा रहा हूँ ठीक से। 1000 के 20 नोट, 500 के 100, 200, ये 500 के 200 नोट, ये हो गए 1,00,000। तो 1000 के 20 नोट उसमें मतलब हो गया 1,20,000 रुपए। तो ये 500 के, हाँ, 1,78,000 लिख लीजिए। 1,00,000 नहीं, हो गया जमा कर देगा, जमा करने का। चलिए चलिए, घर जाना है ना हमको, बंद है, कॉलोनी की लाइट भी चले गए। चलिए चलिए, आप सिर्फ खड़े रहो वहाँ पे, मैं आपको उठा के हल्के से ऊपर ले जाऊंगा। घर की तरफ ध्यान है ना, क्या पूछ रही हूँ मैं, घर की तरफ ध्यान है ना आपका? क्या 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 कह रही थी? बहुत दिन देख रही हूँ, रमेश को भी सब समझ रहा है। बीच में डर जाते हो, दीवारों की तरफ देखते रहते हो, अकेले ही बात करते हो, क्या चल रहा है आपका? नहीं, मैं अकेला कहाँ होता हूँ। अकेले नहीं हो तो कौन रहता है साथ में आपके? नहीं, मेरे साथ वो नहीं, मेरे साथ को वो जाने दो। तुम क्या कह रही थी? ए जी, आज ना एक मजेदार बात हुई। बहुत दिनों बाद घर की सफाई कर रही थी मैं, और क्या चमत्कार, सीलिंग फैन एकदम साफ था, खिड़कियों की कांच बिल्कुल ही साफ थी, और हमेशा जहाँ पर धूल लगती थी ना, वहाँ पर हाथ फेरने के बाद हाथ को थोड़ी भी धूल नहीं लगी। एक बोटे के बच्चे। एजी, ये एक बोटे कौन है और उनका हमारे घर के धूल से क्या संबंध? एक बोटे नहीं, उनका कुछ नहीं, वो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैं सोच रहा था। हाँ, इसीलिए मैं आपको घर की कोई बात नहीं बताती। हाँ, कहाँ बताती हो तुम, हाँ? हाँ? कहाँ बताती हूँ मुझे सब कुछ। वो गणपुले तुम्हें बाल्टी भर भर के दे रहा था और तुम ले रही थी बाल्टी भर भर के पानी के, हैं? वो बताना ही नहीं था, हैं? आप ना कुछ भी बोलते हो, पर क्यों जी? बीवी को क्या क्या लगता है, मार्केट में क्या क्या मिलता है, वो लाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है, कुछ भी पता है आपको? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो मुझे क्या चाहिए। ला दोगे? तुम बताओ तो सही, क्या चाहिए क्या तुम्हें? हा? दे दिया। अरे बताओ ना, बताओ तो सही मुझे, बताओ तो सही। बताओ? बताओ, बताओ, बताओ। अभी ना, हा? गैस नहीं मिल रहा। इतना ही ना? हाँ, कल आ जाएगा गैस, कल। सच? हा? नहीं लाओगे आप? अरे पता है मुझे, आखिर में मुझे ही जाकर वो लाना पड़ेगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। एक बोटे, सुन लिया? गैस, कल से गैस की पाइपलाइन नहीं डालता हूँ घर में। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे देखिए। 100 सिलेंडर? नहीं, 100 नहीं, फिर 75, 50, 5, 1 चलेगा, 1 सिलेंडर। हाँ, ये लो। हाँ, अभी लेके आता हूँ। हाँ, एक मिनट, रमेश की माँ आ गई। ए जी, अभी के अभी दुकान में जाइए और 1 किलो मिठाई लाइए। क्यों, क्या हुआ? ए जी, अपना रमेश अभी मरते मरते बच गया। याने? अरे पर वो तो अंदर खेल रहा था ना। हाँ, पर मैंने उसे माले पे बिठाया था। अरे तुम्हें कुछ अकल विकल है या नहीं, वो कितना सा बच्चा है, उसे ऐसे माले पे चढ़ाया तुमने? हाँ? अगर कोई बर्तन चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी? अरे मैं नहीं हूँ क्या, मुझे बता देती मैं निकाल देता। उम्र है क्या अभी आपकी ऊपर चढ़ने की? पहले सुन तो लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। रमेश ऊपर माले पर चढ़ गया, वो मुझे बर्तन भी नीचे दे रहा था। और ना मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया, मैंने नीचे गैस लगाया था, मुझे बस आवाज आने लगी, माँ मैं गिर गया, माँ मैं गिर गया। मैं तो डर के नीचे ही बैठ गई। वाह, क्या दिमाग चलाया है, हैं? ए जी, मेरी बात सुन तो लो। एक 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 शब्द भी मत कहो। चमत्कार ही हो गया ये चमत्कार है। ये कौन सा चमत्कार है? चमत्कार आगे हुआ, मैं डर के नीचे ही बैठ गई, सोचा कि अब कुछ नीचे आएगा, अब कुछ नीचे आएगा। अरे पर नीचे कुछ भी नहीं गिरा।
यानी ठीक से बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ? जैसे कोई लिफ्ट नीचे आती है ना, वैसे एक तरफ से पतीली नीचे गिर गई और दूसरी तरफ धीरे से रमेश भी नीचे आया और वो भी हंसते हंसते। ऐसे कैसे हुआ? फिर से एक बोटे के बच्चे। एक बोटे? ए जी, ये एक बोटे कौन है? हमेशा एक बोटे एक बोटे एक बोटे। आप जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। नहीं नहीं, वो एक बो, एक बो, मैं वो बहुत कोई दिन नहीं से देख रही हूँ। नहीं, नहीं, वो जाने दो। रमेश किधर है? रमेश की तरफ देखो। लेकिन आप जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। देखो, जाओ जाओ जाओ। देखा एक बोटे? नहीं छुपा सकता। कितने दिन छुपाऊ? नहीं छुपा सकता। चलिए बप्पू, चले। हाँ, आपका काम खत्म हो गया? कमाल है, आपका अकाउंट अचानक सुधर कैसे गया? सच सच बताइए। क्या है बप्पू? हाँ नहीं, आप भरोसा नहीं करेंगे पर देखा, नहीं ना हो रहा भरोसा आपको? नहीं, भरोसा है, भरोसा है, लेकिन ये चिंता की बात है। चिंताजनक? हाँ, क्यों? आखिर है तो भूत ही ना, आप पर हावी हो गया तो? नहीं 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 नहीं, एक बोटे इज अ नाइस पर्सन। हाँ, यहाँ इंसान की कोई गारंटी नहीं है और आप भूतों की दे रहे, वाह। नहीं नहीं, वैसे नहीं, एक बोटे इज अ वेरी नीडी पर्सन, उन्हें जगह भी चाहिए ना वो। अरे यही तो धोखा है, जरूरत के लिए की गई हुई दोस्ती का कोई भी मतलब नहीं होता। जरूरत खत्म, दोस्ती खत्म, उसके बिना ही सच्ची दोस्ती होती है। नहीं, आप कह रहे वो सच है बप्पू, पर मैं सच कहूँ क्या? वही बोल रहा हूँ आपको, सच बताइए, सब कुछ बताइए। लेकिन उसके पहले एक बात बताओ, इन 40 भूतों के घर में रहते हुए आपको नींद कैसे आती थी? इतना ही ना बप्पू, इसमें एक मजे की बात है, हम उन्हें देख ही नहीं सकते। अरे लेकिन वो आपको देख रहे थे ना, घर में प्राइवेसी नाम की चीज है या नहीं? हाँ वप्पू, मैं तो सिर्फ रमेश सोने की राह देखता था। अब क्या करूं? मैं नहा भी नहीं सकता अब। आप उन्हें कहिए कि वो आपका घर छोड़ दे। नहीं पर एक बोटे घर नहीं छोड़ेंगे वप्पू। नहीं जाएंगे? हाँ तो आप ट्रांसफर ले लो, आपके जाने के बाद एक बोटे को नए मालिक की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, उसके ही बोलने का एडवांटेज लेकर उसे फंसा लो। हाँ पर देखिए, एक बात याद रखिए दामले, एक बात याद रखिए। क्या है? शक्ति कितनी भी बड़ी हो, आप पर कितनी भी मेहरबान हो, शक्ति का हम पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हमारा शक्ति पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर चाहे वो राजकारण की शक्ति हो, समाजकारण की शक्ति हो, या फिर अपने ऑफिस के बॉस की शक्ति हो, शक्ति पर हमारा कंट्रोल होना ही चाहिए। इसके बारे में सोचिए, बाद में फैसला लीजिए। ठीक है फिर, मैंने सोच लिया। क्या सोचा? मैं ट्रांसफर ले लूंगा। यानी वैसा लेटर भी आ चुका है। आया है? अच्छा तो कहाँ जाओगे? कहाँ? मैं कोल्हापुर। कोल्हापुर? मैं कोल्हापुर चला जाऊंगा। अच्छा है। अरे चलो, निकलना है। हो गया। अरे जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी। नहीं नहीं, हो गया। दामले, मैं क्या कहता हूँ, ये सब करने से अच्छा बीवी बच्चों को ट्रेन से भेज देते और आप एकदम अच्छे से सामान के ट्रक के साथ जाओ। नहीं नहीं, ट्रक से नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा ट्रक से, बिल्कुल नहीं। देखिए ना, मैं भी यही कह रही थी, ट्रक से जाएंगे। हाँ? इन्हें ना हमारे सामान की कुछ भी चिंता नहीं है। हाँ तुम तो वही चाहती हो, मैं ट्रक से जाऊं, ट्रक पलटी हो जाए और मैं भी वो उस एक बोटे। दामले दामले, एक बोटे, ये एक बोटे कौन है ना अभी तक पता नहीं।
अब अगर कोल्हापुर जाने के बाद पता चला कि हमारा सामान ही गायब हो गया है तो क्या करेंगे? एक तो नया शहर, न जान न पहचान, कैसे सब होगा ना, वो तो भगवान को ही पता है। सच है उनका कहना। मैं आता हूँ आपको स्टेशन पर छोड़ने के लिए। दामले, इतने दिन हम एक साथ रहे, मेरे हाथ से कुछ गलत, प्लीज माफ कीजिए। दामले, किसी के रोने की आवाज आ रही है क्या? अब तो भरोसा हो गया ना बापू, एक बोटे इज क्राइंग। बापरे, इंसान को इंसान के लिए अटैचमेंट होती है ये सुना था, लेकिन भूतों को जाने दो, मैं अंदर जाता हूं, नहीं तो मुझे पकड़ लेगा। दामले, नमस्ते। एक बोटे, आपने बताया नहीं आपकी बदली हो रही है। वो उसमें क्या, आप मुझे कहते ना तो मैं 20-25 मिनट में आपकी बदली रद्द कर देता। नहीं वैसा नहीं है, नौकरी है, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कर सकता था, एस्टेब्लिशमेंट में 4-5 साल काम किया है मैंने, ऐसे क्या करते हो दामले? और आ रही है। मुझे चिंता हो रही है, एक तो नया शहर, कब कौन सी चीज लगेगी बता नहीं सकते। एजी, गुस्सा मत होइए, मैंने ना कुछ जरूरी चीजें भी साथ ले ली है। हाँ, ले लो। हाँ। ये लो, वो लो, हाँ। दीवारें लो, छत ले लो, सब ले लो, जाओ। दामले, रहने दीजिए, शांत हो जाइए। अच्छा, आपने टिकट ले लिया ना? सुबह से 100 बार चेक करके देखा है ताकि कहीं गुम ना हो। बराबर है। हम एक बार सामान चेक कर ले। हाँ जी हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रमेश कहाँ है? कब से नीचे जाके खड़ा है वो। हाँ ठीक है, यानी 10। तुम वो सामान लेकर चलो, जितना हो सके उतना लेकर जाओ। चलिए बापू। अच्छा, फिर मिलेंगे। मिलते हैं, ख्याल रखना। टिकट ले लिया ना? अरे हाँ, कह तो दिया, मेरे जेब में ही है, सुबह से 10 बार चेक करके रख दिया है। बराबर है, चलो निकल दे, मैं जाते जाते सामान ले जाता हूँ। हाँ। एक बोटे, इतना थक के कहाँ से आ रहे हो? यही तो थे? तभी यही था। तो भाभी का कहना सुना, कोल्हापुर को बदली हो गई आपकी, तो वहाँ पे हमारा पहचान का कोई नहीं है ना। पर आप यही तो थे, कहाँ से आ रहे हो? मैंने ऐसे सोचा, नहीं आपके पहचान का नहीं तो देखने का कोई मेरे पहचान का है क्या उधर? आपके पहचान वाला कोल्हापुर में भी कोई है? नहीं तो क्या, मतलब वैसे पहचान का कोई नहीं है। मैं यहाँ से गया ना, वो कोल्हापुर गया और वापस आया यहाँ। तुम्हारे यहाँ जाने से पहले मुझे आपसे मिलना था ना। नहीं नहीं, मेरे पहचान का कोल्हापुर में कोई नहीं। पर दामले, यू आर लकी। हाँ क्या बताऊँ आपको, कोल्हापुर में गया तो मालूम पड़ा, 2 दिन पहले मेरा चचेरा भाई मर गया हार्ट अटैक से। उसका एड्रेस ढूंढा, उसे मिला, वो भी हार्ट अटैक से ही मरा था ना, हमारे कंपनी का ही वो। उसे बताया, अरे दामले आ रहे कोल्हापुर को, उनका कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ, तो वो आपको बैंक ने क्वार्टर दिया ना, उसे खोल के दिया मैंने, मतलब क्वार्टर नहीं खोल सका लेकिन वेंटिलेटर से उसको अंदर छोड़ा है। अभी वो क्वार्टर वगैरह साफ करके रखेगा, फिर रंग बिंग देगा उसको, वो कड़प्पा वगैरह साफ करके रखेगा, सिलेंडर भी लाके रखेगा। बताया मैंने उसको, अब सिर्फ उसको बोलना, उसका नाम सप्रे है, सप्रे। वो ऐसे आएगा जैसे मैं आता था,
और सब सप्रेम भेज देगा आपको। आप इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? करना नहीं चाहिए, कोल्हापुर में कोई नहीं आपका, भाभी जी अकेली, आइए आप। पर मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? आपके जाने के बाद जो भी आएगा यहाँ, मैं बोलूंगा ना उसको, मैं एक बोट है, मुझे रहने दो यहाँ पे, रहने दो। मानता हूँ मैं, पर अगर उसने परमिशन नहीं दी तो क्या करेंगे आप? नहीं दिया तो आपका काम हो गया ना कोल्हापुर का? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं आपका काम? फिर क्या, मैं देख लूंगा, अभी मुझे मेरा सामान भी पैक करना है। मेरा सामान मैं पैक करता हूँ। एक बोटे, किसी ने सच कहा है, गांव बदलने से नसीब नहीं बदलता, नसीब नहीं बदलता। इस बात को बहुत दिन हो गए, इसीलिए मैंने आपको कहा था ना, दामले कोल्हापुर जाकर तार करने वाले थे, लेकिन कोई भी तार नहीं आई। कोल्हापुर में एक बोटे के भाई मतलब सप्रे और दामले का कैसे चल रहा है इसकी मुझे आज तक कोई भी खबर नहीं है। अगर दामले आपको मिले तो उन्हें प्लीज एक संदेशा दीजिए, काले आपके खत का इंतजार कर रहे हैं।